दोस्तों जिंदगी में भाई इंसान कामयाब होता है जो वक्त को पहचान लेता है। एक पेड़ था आम का, उस पर फल लगते थे, हरा भरा था वो, उस पर पंछी रहते थे, खाने को मिल जाता था। लेकिन जब फल लगने बंद हुए और उसके बाद पेड़ सूखने लगा, जो पंछी समझदार थे उन्होंने अपना आशियाना दूसरे पेड़ों पर बना लिया। एक झोंपड़ा था, किसी ने धुआं निकलते देखा तो उसने सोचा कि आग लग जाएगी। भगत को भांपते हुए वो झोंपड़ा छोड़ के बाहर निकल गया। और इसी तरह एक कश्ती थी जो डूबने वाली थी, जो समझदार था छाल लगाकर बाहर निकल गया। ऐसे ही हमारे एक नेता जो हैं लुधियाना के एमपी बिट्टू जी, मौका देखते ही भाजपा में शामिल हो गए। उसी तरह जैसे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम एमएलए बन जाएंगे। सपने तो वो लेते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था भी कब मौका मिलेगा। आम आदमी पार्टी आई और बहुत सारे गली मोहल्लों के नेता लोग थे जो एमएलए बन गए, वो भी कोई ना कोई पार्टी। आप देख लीजिए, आपको पता ही है, आप लोग अकलमंद हैं, आप कौन कौन सी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए थे। तो इसे कहते हैं अकलमंदी, लेकिन अकलमंदी भी उतनी अच्छी होती है जितनी जरूरत हो। अकलमंदी केजरीवाल ने की थी, आपने आप अकेला रह गया। और उसके साथ आज प्रशांत होता, यादव होता, या हमारे जैसे जितने भी लोग थे जो उसकी विचारधारा के, तो आज आम आदमी पार्टी चाहे इसकी बुजारत कहीं पर ना होती लेकिन संगठन तो होता कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ऐसे लोगों का जो एक संगठन बना था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। लेकिन आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले खुद ही जहाँ आपको मालूम है कहाँ बैठे हैं। हम लोग अपने मुंह से वो बात नहीं करेंगे, कहते गाली होती है, हम वो गाली नहीं निकालेंगे वो कहाँ पर बैठे हैं। अगर वो साथ लेकर चलते उन्हीं लोगों को जिन्होंने जो संगठन, चाहे दिल्ली में सरकार होती चाहे ना पंजाब में सरकार होती, लेकिन संगठन तो होता, एक वैसा संगठन होता जो सिर्फ देश के खुशहाली के लिए, देश के लिए बनता। लेकिन जहाँ पर हम आए हैं धूम में खड़े हैं कोई बात नहीं है, तो जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर एमपी साहब आ रहे हैं चेहरा देखेंगे भैया। अभी एक महीना पहले जब उन्हें हम कांग्रेस में देखते थे तब उनके चेहरे की लाली को देखेंगे, पर हम अभी आपकी फ़ोटो दिखा देते, वो सामने देखो मोदी के साथ जोड़ के खड़े हो गए हैं, मुस्करा रहे हैं। दादा मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, दादा मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। कोई कहता तूने गद्दारी की है, कहता गद्दारी नहीं की मैंने, समझदारी की है। अगर समझदारी ना करता तो ऐसे ही देखो ऐसे धक्का लगा के जाता। धक्के वाली सरकार को छोड़ दिया उसने, रफ्तार से चलने वाली सरकार में बैठ गया वो। चलो उधर देखिए हमारे मित्र खड़े हैं कुछ लोग जो हैं, उधर आइए उधर चलते हैं, ले चलो। वो कहते हैं हम स्वागतम करेंगे, तुम चलो आगे आगे चलो मेरे, वो स्वागतम करेंगे। वो आ रहे हैं नेताजी हमारे, एमपी साहब आ रहे हैं, बेन सिंह के पोते हैं वो, ग्रैंड सन हैं, जिन्होंने पंजाब में शांति लाने के लिए अपनी जान दे दी थी। चलो वो तो दूर की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, अब नया इतिहास देखते हैं जो लिखा जाएगा। क्योंकि जो देश के लिए सोचे वही सबसे बढ़िया इंसान होता है। ये सभी लोग अभी हाँ कर लो तैयारी कर लो है। ये मंदिर है रेलवे स्टेशन के पास ही है, देखो ये आप लोग रेलवे स्टेशन के जहाँ गुफा भी बना रखी है इन लोगों ने, देखो इधर ये गुफा भी है, उधर देखो मंदिर है जी, आगे और दिखा दे।
हम भी कई बार गुजर जाते थे, लेकिन आज मौका मिल ही गया है भगवान जी के दर्शन करने का।